अभी हमारे साथ ब्लॉक छात्रों से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से कुछ लोग जुड़ चुके हैं। इनसे इनकी समस्या और कहाँ के रहने वाले हैं, नाम वगैरह हम इनसे पूछते हैं और क्या दिक्कतें परेशानियाँ जो हैं इनके ब्लॉक से इनको हो रही हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नसीर अहमद मलिक। नसीर भाई, क्या पूरा मामला है, पूरा डिटेल से बताइएगा। सर, पहले हमने वीडियो सबको ये एप्लीकेशन दी, हमने बोला आप डोर टू डोर वेरिफिकेशन करो। छात्रों ब्लॉक जी सर, छात्रों ब्लॉक से वार्ड नंबर 4। अच्छा, वो सर आए नहीं। VLW सर आया, वो आधे रास्ते से फिर वापस आया सर। क्यों? वो पता नहीं क्यों सर, उसको भेजा कुछ बंदों ने वापस। आपने क्या एप्लीकेशन दी थी, क्या आप चाहते थे, क्या वहाँ पे हो रहा है? हम चाहते थे सर यही कि ग्राउंड लेवल पे काम अच्छा होना चाहिए, और दूसरा चाहते थे उनको हमने एप्लीकेशन दी डोर टू डोर आप वेरिफिकेशन करो आवास प्लस की। आपको क्यों लगा ऐसा कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए? सर गलत कर रहे हैं ना सर, जिनके पास पैसा है वो 10-10 हज़ार उनको देते हैं, 20-20 हज़ार देते हैं, बोलते हैं पहला हमारा नाम रखो, पहला हमारा नाम। जिसके पास बेचारे के पास नहीं है वो कहाँ से लाएगा, वो देगा, उसको पीछे पीछे करते हैं सर। एडवांस लेते हैं? हाँ लेते हैं ना सर, खर्चा। अच्छा जी सर। कमीशन? हाँ कमीशन सर। कौन लेता है ये? ये लेता है सर VLW वगैरह मिल के सारे जी सर, JRS VLW। फिर आपने क्या किया इस पर? सर हमने एप्लीकेशन दी थी वीडियो सब कुछ, उसके बाद उसने बोला मैंने भेजा था VLW साहब का, हमने बोला वो आधे रास्ते से वापस आया है। RTI भी दी सर, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं दिया। आपका क्या नाम है? खालिद हुसैन मलिक सर। खालिद भाई, क्या कुछ पूरा मामला है? सर मामला यही है सर, हम ये जो आवास प्लस के मसला है सर, इसमें उन्हीं को दिया जा रहा है सर जिनके मकान बने हैं, एक एक दो दो मकान है उनको दिया जाता है सर, जो गरीब है उनको कोई फ़ायदा नहीं इससे। कितने नाम है इसमें सर? इस लिस्ट में ये सर हमारे मेंबर हैं खुर्शीद साहब, ये जी सर वार्ड मेंबर है हमारे सर, इन्होंने लिस्ट दी बनाई उधर ग्राम पंचायत के हिसाब से 32-33 बंदों की, उसमें उन्होंने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी में 8 बंदों का नाम जाएगा, तो उसके बाद सीरियल के हिसाब से चलेगा। अब ये बीच में एक को छोड़ के एक का उठा रहे हैं, कभी 10 सीरियल नंबर से, कभी 11 से, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये मसले। अब जितने ये लोग हैं सब गरीब लोग हैं सर? सारे तो गरीब नहीं है सर, कोई बाहर नहीं रहता, हर किसी का सर। हम नहीं बोलते हैं किसी को नहीं मिलना चाहिए, अगर 10 सर मकान है किसी को उसको, इसमें तो कोई है ही नहीं ऐसा बंदा सर जिसका मकान नहीं है सर, आपको ही पता आज वैसा कोई बंदा नहीं जिसको मकान नहीं, मकान तो हर किसी। अब अगर ये दे रहे हैं सर, ये उसी को मिलना चाहिए जो थोड़ा गरीब में, अब ये उन्हीं को दे रहे लोगों में से कोई गरीब नहीं है सर, इसमें कोई है ही नहीं सर, कौन सा बाहर है सर? मुझे दिखाए मेंबर साहब या वीडियो VLW साहब कि किसी के पास घर नहीं है, तो जिसको 3 मकाने हैं उसी को और देते हैं चौथा भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गुलाम अली। आप कहाँ रहते हो? मैं भी रहता हूँ वार्ड नंबर 4 में, उसी पंचायत में। तो क्या ये जो 32 लोग चुने गए हैं, ये 32 लोग चुने गए हैं, इनमें से एक दो बंदे गरीब हैं और कोई भी गरीब नहीं, अच्छे 3-3 मकान, 4-4 मकान हैं, जिनको ये मकान उन्होंने दिए, ये वेंडर इन्होंने रखे हैं। ये अगर इनके खाते में 10 लाख डालते हैं तो 10 लाख में उनको भी लाख देते हैं, तो और उन्हीं के नाम पहले डाले सर, इनके नाम आ पड़े वेंडरों के सर, कितना पैसा सर इन्होंने आज तक हड़प किया सर, कोई मटेरियल का पैसा कुल खाया? हम गरीब आवा हम सर, वेंडर सर हमारे वार्ड से 3 वेंडर सर। कौन सर? गुलाम हसन है, मोहम्मद अशरफ है सर, तो दूसरा है एजाज अहमद। हर बार पैसा उन्हीं का सर? हर बार सर हम उनसे पूछते हैं सर, वो बोल रहे हैं हम डिपार्टमेंट को वापस दे रहे हैं, हम सर हमने एक दो वेंडर पकड़े मेंबर के सामने, उनको हमने पकड़ा, वो बोल रहे हैं हमें डिपार्टमेंट को वापस ये पैसा दे रहे हैं। हमने बोला क्यों दे रहे हैं, बोलते हैं हमें देते हैं कमीशन 8,000, हमें वापस दे रहे हैं। किसका सर? हाँ सर नंबर है उनका, फोन लगाओ उनको जरा पूछो सर, अगर उस फोन आप करें। ये जो 32 लोगों की लिस्ट बनाई है इनमें से आपको कोई भी गरीब नहीं दिखता है? गरीब इनमें जो गरीब हैं उनको नहीं मिले, जो अमीर हैं जो उनको वेंडर हैं उनको मिले। नहीं, इन 32 लोगों में है कोई गरीब? है एक दो बंदे तो गरीब हैं, हैं सर गरीब सर, हम ना चाहते हैं किसी को नहीं मिलना चाहिए, अगर 10 मकान मिले अमीर को भी मिले ठीक है, लेकिन पहले देखना उसका जिसका नहीं है। फ्रॉड करते हैं सर, उल्टा पुल्टा करते हैं, पहले उसको दे दो जो गरीब है, फिर बाद में दूसरी प्रायोरिटी में दे दो दूसरे को भी, पहले उसको। और कितने लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, आप बाई नेम बता सकते हैं कि कौन गरीब है जिसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था? बाई नेम है तनवीर अहमद न्यायक, मकान है थोड़ा बहुत है, गरीब है, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं, गवर्नमेंट का पैसा कुछ नहीं
उसको अभी तक मिला है, ठीक है। और जिसको पिछले साल भी मिला, मुझे पिछले साल भी मिला है मकान का पैसा मुझे मिला है। तो एक शख्स को तो एक ही बार मिलेगा ना? नहीं सुनो, मेरे को मिला है। अगर मैं कहूँगा इस बार भी मुझे ही दे दो, ये तो नहीं हो सकता है मैम। ये नहीं तो हो सकता है कि 2019 में मुझे मिला था, 2022 में भी मुझे दे दो। अगर 2019 में मुझे मिला, अगर देंगे फिर बाद में कहीं दें, पहले मेरे, मैं ही कहूँगा मेरे को रखो। ये कौन से अंधेर नगरी है? हम काम करते हैं नरेगा कार्ड की, हमें 18,000-17,000 डालते हैं, तो कार्ड की जो है कार्ड को 36,000 या 40,000 है, वो क्या जीआरएस जो है तो वो जीआरएस क्या करता है? उसको जीआरएस वो अंडरू के खाते में डालते हैं, हमें 18,000 या 17,000 मिलते हैं, हमें उतना नहीं मिलता है जितना कार्ड पे है। कहते हैं नहीं जी उसको मटेरियल लाया, मटेरियल उसने पत्थर निकाले, उसने किसको दिया पत्थर? जो मटेरियल है वो जब हमें मिलता ही नहीं है, अगर मिलता है तो फिर उन वेंडरों के खाते में डालो पैसा। हमें कोई वेंडर की ज़रूरत नहीं, हमें वेंडर शेंडर की नहीं ज़रूरत, जितना डालना होगा हमारे अकाउंट में डाले, हमें कोई वेंडर की ज़रूरत नहीं, हमें कोई वेंडर की नहीं। वेंडर का उसको वीडियो हजरात भी सब हजरात खाते हैं मिलजुल कर, तो हमें मिलता कुछ नहीं। आपने आरटीआई एक लगाई थी, उसका क्या जवाब आया? आरटीआई का जब वीडियो जवाब वो दिया ही नहीं उसने, जवाब दिया क्या आरटीआई? उसने जवाब ही नहीं है, 32 दिन हो गया, क्या जवाब देगा उधर जब घोटाला है? आरटीआई में क्या मांगा था? हमने मांगा था कि हमारे रिकॉर्ड दे दो, स्किल्ड सर 14FC मांगा था, स्किल्ड मांगा था, ये सर मटेरियल का लिस्ट मांगा था। हमने मटेरियल किसके खाते में डालते हो, क्या करते हो इसको, बस यही डाला था, उसने दिया ही नहीं। अगर वो देते तो हम कहाँ यहाँ आते, हमें इतना मजबूर हो गए, हम गवर्नर साहब को भी फैक्स देने चाहते हैं, मोदी साहब को हम फैक्स देने चाहते हैं कि क्या हमें ग्राउंड लेवल पर हमें क्या मिलता है। वो मिलता है एनसी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, उनको मिलता है, कहते हैं नहीं जी तुम बीजेपी वाले, कौन से अंधेर नगरी है ये? बीजेपी है अपनी मर्जी, कोई बीजेपी के साथ रहे, कोई कांग्रेस के साथ रहे, कोई नहीं किसी की पॉलिटिक्स सर अपनी मर्जी, जिसके साथ रहे। बीजेपी के साथ मैं बीजेपी के साथ हूँ या कांग्रेस के साथ हूँ, किसी के साथ मैं हूँ, लेकिन यह मैं बीजेपी के साथ हूँ। हाँ बीजेपी के साथ हमें कुछ नहीं मिलता है, वो कांग्रेस वाले और ये जी एनसी वाले खुद आपस में खाते हैं रल मिल के मिलजुल के। सोलर लाइटें आए हमें नहीं मिली कि नहीं जी बीजेपी वाले हैं, हमें नहीं मिली, वो मिली जहाँ एनसी वाले थे, एनसी वालों को मिली 30-32। लेकिन आप लोगों की सरकार है फिर भी आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है ना, ग्राउंड लेवल पर हमारी सरकार मत है। पांच लोगों को मिले, एक वार्ड में 17 लोगों को मिले, ये एनसी के बंदे हैं, 17 को मिली, पूरे मिलने चाहिए थे ना। अगर तभी तो मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत जुल्म है कि जिनकी सरकार है उन्हीं को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात है कि मिलना चाहिए हर एक को। अगर फिर मैंने कहा वीडियो का, मैंने कहा लिस्ट में फिर मेरा नाम भी आया है दोबारा, मेरा नाम भी है, जब तू वेंडरों को देता है इनको, तू साल का ये 2-3 लाख उधर से भी खाते हैं वेंडर खर्चा, जब उनको तू देता है फिर मेरे को आया है दोबारा, क्यों फिर क्यों काटता है तू? फिर मेरा कैश नहीं काटना, फिर मेरा कैश नहीं काटना, जब वेंडरों को तू मकान कैश देकर मेरा भी मौजूद रखना, न तो वरना मैंने लिया है, मैंने लिया है। अगर वेंडरों को भी नहीं मिलेगा तो मुझे भी ज़रूरत नहीं, मैंने लिया है 2019 में मैंने लिया है। जब वेंडरों को मिलेगा वो 10-10, 15-15, 20-20 लाख हड़प करते हैं, जब उनको मिलेगा तो मैंने कौन सी चोरी की? हाँ मकान, फिर मैंने कौन सी चोरी की, मुझे क्यों नहीं मिलेगा फिर? तो हम कोशिश करेंगे जो कंसर्न वहाँ के इनके सरपंच हैं, बीडीसी डीडीसी है, कुछ लोग जो है वो एनसी है, वो हमें कुछ नहीं बात हो सके, और उनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। इतनी बड़ी धांधली अगर वहाँ पर हो रही है तो उनके जो छाया छत्र छाया के अंदर किस तरह से ये इतनी धांधली हो रही है, जिस तरह से इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं लेके यहाँ पे रखे गए हैं, बिजली का एक खंभा उनसे मांगते हैं, कहते हैं हम कहाँ से लाएंगे। जनाब मैं ना अरफाज डैंग बोल रहा हूँ जम्मू से, मीडिया से, न्यूज सैर इंडिया से। जी जी मैम, यहाँ पे ना कुछ लोग आए हैं आपकी पंचायत के ना, छात्रु क्या लोअर क्या है, लोअर ए क्या है, लोअर ए छात्रु जी जी, वार्ड नंबर 4 से। ये कह रहे हैं, ये कोई पूरी फाइल लेके आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में कुछ 32 लोगों की जो है लिस्ट आउट हुई है, जिसमें उनको मकान मिलने थे जी। लेकिन इन 32 लोगों में से सिर्फ 2-3 लोग होंगे जो ये डिजर्व करते हैं मकान, बाकी लोगों के पास पहले से ही मकान या तो बने हुए उनके पक्के मकान
या फिर उनको मतलब जो वो पैसे वाले हैं और दूसरी दूसरी बार तीसरी तीसरी बार उनके नाम इसमें डाले गए हैं। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होगा, जो डिजर्व करते हैं वही होगा। मैम ये तो बोल रहे हैं लेकिन इन 32 लोगों में मतलब इनका या और किसी का इनके साथी का कुछ नाम बताए थे उन्होंने, क्या नाम बताया आपने जिसको जिसको मिलना चाहिए? तनवीर अहमद न्यायिक है, उसका नाम क्यों नहीं है इसमें? तनवीर अहमद न्यायिक, हाँ जी, आपकी पंचायत का है, वार्ड नंबर 4 का है। हाँ, वार्ड नंबर 4 का। अभी लिस्ट कहाँ निकली है सर? इसको पूछे वार्ड नंबर 1 में कितने केसेस आपने, वार्ड नंबर 1 में कितने जो केसेस हैं जो आपने हल करवाए हैं? मुझे पूरी लिस्ट यहाँ है नहीं, मैं किश्तवाड़ में हूँ, मैं देखती हूँ छात्र हूँ, मगर मैं किश्तवाड़ में पूरा पता भी नहीं है, मैं जब लिस्ट देखूंगी नहीं बोलूंगी आपको सर। मैम ये तो जिम्मेवारी है ना आपकी, देखो अब आप पे मतलब लोगों ने भरोसा करके आपको सरपंच बनाया है तो इस तरह की धांधली अगर हो रही है तो वो कहने की जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, धांधली नहीं होगी। तो ये जो इसमें मैं नाम क्या क्या है, रशीद बेगम है, मोहम्मद अली मलिक है कोई, हाँ जी, मोहम्मद आशिक न्यायक है, रहमान अब्दुल रहमान मलिक है, फिदा हुसैन मलिक है, ये कह रहे हैं कि ये पहले से ही पैसे वाले हैं, मकानों वाले हैं और ये वेंडर भी हैं इनमें से कुछ लोग, तो इनको बार बार जो है मकानों के लिए पैसा दिया जाता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम इनको ग्राम सभा में ये बोलते हैं कि डिजर्व है, लोग ही बोलते हैं ग्राम सभा में ये डिजर्व है। हम ग्राम सभा करते हैं, वार्ड सभा भी करते हैं, लोग बोलते हैं कि डिजर्व है ये लोग। लोग बोलते हैं? हाँ जी, जब ग्राम सभा होती है लोग ही बोलते हैं, लोगों ने ही इनको रखाया है। तो चलें अगर इसमें कोई धांधली वाला मामला सामने आता है तो आप क्या इस पे इनिशिएटिव लेंगे? ना हम लेंगे एक्शन, जब होगा ऐसा तो हम लेंगे एक्शन, तो नहीं लेंगे। जी जी जी, चलें शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। अच्छा फिर। ये सरपंच थी छात्रु ए से, क्या नाम है इनका? अशनाजा जी, और जो कह रही हैं कि इनकी नॉलेज में कुछ भी नहीं है इस तरह का और होगा तो ये जो है इस पर इंक्वायरी इनिशिएट करेंगी। ये पहला मामला नहीं है एक किश्तवाड़ से ब्लॉक छात्रों से, इस तरह का पहले भी जो है मामला सामने आया था और हमने वीडियो जो है छात्रों के उनसे बात की थी और उन्हें ये पूरा आश्वासन दिया था कि वो इसकी छानबीन करेंगे और सुनने में ये भी आया था कि छानबीन हुई भी थी, लेकिन आज फिर से छात्रों ब्लॉक से ही जो है ये लोग यहाँ पे आए हैं और इनका कहना है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली जो है वो देखने को मिल रही है, चाहे वो वेंडर को लेके है, चाहे वो मटेरियल को लेके है, चाहे वो दो दो तीन तीन बार जो है लोगों के नाम जो है वो जो लिस्ट में आ रहे हैं जो लोग डिज़र्व ही नहीं करते हैं और जो लोग डिज़र्व करते हैं उनका एक बार भी जो है वो नाम नहीं आ रहा है। और सरपंच साहिबा भी कह रही हैं कि उनकी नॉलेज में कुछ नहीं है और वो इसका जो है पता लगाएंगी और उसको जब पता ही नहीं है इसके बारे में जो है पता लगाएंगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगी। और आता समय ही बताया पा गया किस तरह की कार्रवाई जो है वो होती है। फिलहाल इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया, मैं फजल मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।